नमस्कार स्टूडेंट्स, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसका कहां से सॉल्यूशन फाइंड किया जाए। इसी में एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज मैथमेटिक्स के इस क्लास में। एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, इफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू 2+√3 है या √3+2 है, कुछ भी मान लो। तो ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज गिवन। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड √x-1/√x। आपने कई ऐसे क्वेश्चंस को बनाया होगा जहां पर कि x का वैल्यू दिया हुआ है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² x + 1/x, x³ + 3x² + 2x + 1, इस तरह के कई क्वेश्चंस आपने बनाए होंगे। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ये रूट एक्स और 1/√√x है, ये कंफ्यूजिंग है। देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे उसको बनाते हैं इसको भी उसी तरह से बनाइए, प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसका 1/x निकाल लेते हैं, रैशनलाइज कर लेंगे 2+√3 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2-√3/2-√3। रैशनलाइजेशन आपने पढ़ा है, इज इक्वल टू 2-√3 × 1, 2-√3 और बाय हो गया a+b a-b, a² - b² तो 2 का स्क्वायर 4 लिख देते हैं, -√3 का 3 लिख देते हैं, तो ये आ गया 2-√3 और बाय 1 मतलब कुछ नहीं। अब हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, अब हमको फाइंड करना है। नाउ वैल्यू किसका फाइंड करना है, √x-1/√x ये निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ऐसा करते हैं, हम एक फॉर्मूला को लिखते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a-b² = इसको सिर्फ फॉर्मूला पे एक्सपेंड कर दीजिए, a² यानी कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा, x प्लस ये हो जाएगा 1/x और फिर माइनस है तो 2ab तो लिखोगे भी 2√x(1/√x). हम इसको कैंसिल कर देते हैं, अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x का वैल्यू हमारे पास है 2+√3 + 1/x का वैल्यू निकाले हैं हम लोग 2-√3 और ये वाला -2 यहां पर रख लेते हैं, ये √² कैंसिल हो गया, ये -2 और ये +2 ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 2। लेकिन हमको इसका वैल्यू नहीं निकालना है, वैल्यू निकालना है इसका स्क्वायर रूट को छोड़ के, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा √x-1/√1/x = इधर √2 लेंगे, लेकिन इसको प्लस और माइनस दोनों ले लेते हैं तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर, और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक, उम्मीद है कि जरूर पसंद आया होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने देखा है और स्टैंडर्ड 9 के बच्चे के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके भी कई बुक्स में मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है। तो आप इसे जरूर इस टेक्निक को देखें, इसको सीखें और इसको सॉल्व। अभी मसाही जय हिंद।